Vighnaharta Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha. से महाराज आइए मेरे साथ चलने की कृपा कीजिए। हमारा पुत्र सदैव हमारे साथ रहेगा। हम अपने नेत्रों से कभी ओझल नहीं होने देंगे। हे माधव, परीक्षा तो संपन्न हुई, अब तो इन्हें रोक लीजिए। तुम्हारे मुख पर मुस्कान देखने के लिए हम अपने प्राण भी न्योछावर कर सकते हैं। स्वामी, देवी, प्रभु यदि परीक्षा लेते हैं तो उस परीक्षा में सफल होने का साधन भी वे ही देते हैं। यह तो हमारी भक्ति की परीक्षा है देवी। आप निश्चिंत रहें, प्रभु श्री सत्यनारायण कुछ भी अनुचित नहीं होने देंगे। विश्वास नहीं होता, जिस पुत्र को ये पलकों पर बैठा कर रखते थे उसे ही प्रभु के लिए समर्पित कर दिया। अद्भुत है इनकी भक्ति। किंतु दुर्भाग्यवश समृद्धि की अधिकता ने अहंकार की अति को उत्पन्न कर दिया था। महाराज तुंग ध्वज की जय। महाराज तुंग ध्वज की जय। क्षमा करें महाराज, किंतु आप अचानक कहां जा रहे हैं? मैं राजा तुंग ध्वज हूं। मुझे किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि मैं कहां जा रहा हूं। क्षमा महाराज, क्षमा, मैं आपको रोक नहीं रहा हूं महाराज, बल्कि आपको स्मरण करा रहा हूं। आज दुखी प्रजाजनों की विनती सुनने का दिन। अगर इनकी विनती सुनने लग गया तो मेरा दिन बीत जाएगा। मंत्री जी महाराज, मेरे 100 पुत्र हैं, ये सुनेंगे इनकी विनती। पुत्रों,
ना ही इनका स्पर्श करना और ना ही इनसे कुछ लेना, बस सुनकर ये निर्णय लेना कि तुम्हें इनकी सहायता करनी चाहिए या नहीं। स्वामी, आरती लेकर प्रभु की पूजा को स्वीकार कीजिए। आशीर्वाद की आवश्यकता उन्हें होती है जिनके पास कुछ नहीं होता। मेरे पास तो सब कुछ है। आखेट के लिए कुशल हाथ, 100 शक्तिशाली पुत्र, अनेकों संस्कारी पुत्र वधू, और आप मेरी अति सुंदर धन लक्ष्मी। ये सब तो प्रभु के आशीर्वाद और कृपा का परिणाम है स्वामी। हमें उनकी पूजा करके अपने अच्छे सौभाग्य के लिए उन्हें निरंतर धन्यवाद देना चाहिए। महारानी, प्रभु की पूजा की अवहेलना करना उचित नहीं है स्वामी। ये आपने उचित नहीं किया। अहंकार हमें सही का भ्रम उत्पन्न कराता है और मैं वो सब करता चला गया जो मैं सही मानता था, पर अहंकार के कारण मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। मृग, आज तुम तुंग ध्वज का आखेट बनोगे। मृग, एक बार जो मैं निर्णय कर लेता हूं तो कर लेता हूं, उसके बाद मैं स्वयं भी नहीं बदलता, फिर चाहे परिणाम कुछ भी हो। मृग, मैं तुम्हारा आखेट निश्चित रूप से करूंगा। ये जल कहां गया? यहां तो कोई जलाशय भी नहीं है। आज का दिन ही बुरा है। पहले मंत्री ने टोका, फिर रानी ने टोका, और अब ना। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।